जामगेट के पास स्कूल बस पलट गई। इस हादसे में 13 बच्चे घायल हो गए। एक बच्चे का हाथ कट गया, बच्चे का हाथ कोहनी से उखड़ गया। शुभम ठाकुर नामक इस बच्चे को उपचार के लिए इंदौर भेजा गया है। हादसे की शिकार बस इंदौर के नव आदर्श विद्या इंटरनेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल की है। बस में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे सवार थे। हादसा होते ही अफरा तफरी मच गई थी। आसपास के लोग बचाव के लिए मौके पर पहुंच गए थे। यह स्थान इंदौर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। बताया जाता है कि 3 बसों में करीब 100 बच्चे पिकनिक मनाने के लिए रवाना हुए थे। इनमें से एक बस पलटी है।